रियासी में पुल गिरने से दो ड्राइवर जख्मी। आपको बता दें कि रियासी के एक इलाके में एक नदी पर तामीर एक पुल इस वक्त गिर गया जब गुज़श्ता शाम दो डंपर इसे उबूर कर रहे थे। सरकारी ज़रा ने बताया कि दोनों डंपर चसाना तहसीलों के दरमियान वाकया एक पुल से गुजर रहे थे और उन्होंने बताया कि हादसे में दोनों गाड़ियों के ड्राइवर जख्मी हुए हैं, जिन्हें पुलिस समेत और इमदादी कारकुनों ने अस्पताल मुंतकिल किया। SDM मुजाहिर हुसैन शाह ने पुल पर गिरने और ड्राइवरों के जख्मी होने के साथ डंपर को नुकसान पहुंचने की तस्दीक की है। हादसे में जख्मी ड्राइवर की शिनाख्त अमजीत खान और शौकत अली साकिन रजौरी के तौर पर हुई है। एक्चुअल क्या है कि इस पुल की एक वजन लेने की कैपेसिटी है जो कि 15 से 20 टन थी और एक गाड़ी क्रॉस होती थी तो तब दूसरी गाड़ी क्रॉस हो सकती है, लेकिन कल ये अनफॉर्चुनेटली कोई दो डंपर भरे हुए हैं जिनका मतलब कम्युलेटिव वेट कोई तकरीबन 40 से 50 टन के आसपास हो जाता है। वो एकदम से दोनों गिठे चढ़ गए इस ब्रिज पे, जिसकी वजह से ब्रिज जो है वो अपनी कैपेसिटी जो है तो कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा ओवरवेट हो गया और उसकी वजह से ब्रिज डैमेज हो गया, कोलैप्स हो गया। अब देखो ये यही ब्रिज तो क्योंकि हमारी ये बुद्धल मोहर गूल रोड भी बननी है तो इसकी जगह दूसरा ब्रिज ऑलरेडी प्रपोज था। अभी हाल फिलहाल हम टेम्परेरी रिस्टोरेशन कर रहे हैं तकरीबन 4-5-6 महीने के लिए ताकि कम कहीं और से छोटा सा वैली ब्रिज लगा के तो ताकि ट्रैफिक को हम रेगुलेट कर पाए। इन द मीन टाइम दूसरा ब्रिज का भी काम लग जाएगा जो कि बुद्धल मोहर गूल रोड का जो वाइडनिंग में जो ब्रिज प्रपोज है ऑलरेडी इस जगह पे ब्रिज प्रपोज है। नहीं आप देखें ये इंजीनियर्स आए हैं, ग्रिफ के इंजीनियर्स आए हैं, हम भी इनसे मिलके जो है अल्टरनेट रूट्स देख रहे हैं कि किस जगह से हम ब्रिज को जो है अल्टरनेट हम वैली ब्रिज लगा सकते हैं। कोशिश ये है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर एक वैली ब्रिज यहाँ पे लग जाए। इन द मीन टाइम छोटी गाड़ियों के लिए हम ट्रैफिक का जो है वो कनेक्टिविटी दरिया के बीच से ही करेंगे, उसके अलावा और कोई चारा नहीं है, यहाँ कोई अल्टरनेट ब्रिज है नहीं है। तो कोशिश ये है कि हम एक दो दिन में छोटी गाड़ियों के चलने के लिए और एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो हैवी व्हीकल्स के लिए ही जो वो करवा पाए हम।